मंडी शहर के खलियारबाड में रविदास मंदिर के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। इस दौरान 3 कारें जलकर राख हो गई। आशंका जताई जा रही है कि कूड़े की ढेर में किसी ने आग लगाई हो और तेज हवाओं के साथ ये आग कारों तक आ पहुंची, जिससे आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार मंडी शहर के खलियारबाड में रविदास मंदिर के पास खड़ी की गई गाड़ियों में से एक गाड़ी में वीरवार शाम को अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद साथ खड़ी 2 अन्य गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना का पता चला तो उन्होंने साथ लगती गाड़ियों को मौके पर हटाया, नहीं तो अन्य गाड़ियां भी जलकर राख हो जाती। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयानक थी कि साथ लगता घर भी चपेट में आ गया था, लेकिन घर को सुरक्षित बचा लिया गया है। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग की टीम पर देरी से पहुंचने पर आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि यदि विभाग की टीम आधा घंटा पहले पहुंच जाती तो गाड़ियों को जलने से बचाया जा सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही उनको घटना का पता चला तो उन्होंने कई आपातकालीन नंबरों पर शिकायत की, लेकिन मौके पर कोई भी विभागीय टीम समय पर नहीं पहुंची। कुछ लोगों द्वारा सड़क पर बनी नाली पर जंगला लगाने नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण अग्निशमन विभाग की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई। मोहल्ले का मैं निवासी हूं और क्या यहां पे हुआ था? 2 घंटे पहले यहां पर जो है आग लगी, तो जैसे थोड़ी सी आग लगी तो हमने जो है 108 नंबर में 104 नंबर में मैंने फोन किए, पर 108 वालों से मुझे आया कि मतलब ये आपकी कंप्लेंट लिख दी। मैं 4 बार फोन किया, 4 बार मैंने हर नंबर पे ट्राई किया। 1 घंटे के बाद जो है ये फायर ब्रिगेड वाले आए और पुलिस चौकी के भी आगे चौकी चार, पर तब तक जो थी ये 3 गाड़ियाँ चल चुकी है, ये बिल्कुल राख बन के इनका कुछ नहीं बचा हुआ है। बाकी गाड़ियाँ तो हमने हटा दी, कोई उठा के कोई बुला के किसी को फोन करके बुला दी। पर तो मुझे ये आज बड़ा हैरानी की हुई कि फायर ब्रिगेड वाला के किसी का भी नंबर नहीं लगा, और मैं 100 नंबर में फ़ोन किया, 104 में किया, 102 में किया, 108 में किया, 8 में मैंने 3 बार किया, चाहे आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल में मैंने कितनी बार फ़ोन किया होगा, पर कोई भी एक घंटे तक तो कोई नहीं सुनाई नहीं हुई, कोई भी नहीं आया। 1 घंटे के बाद है जो आए, तो अब तक जो है 3 गाड़ियाँ जल चुकी थी और उसके साथ इस घर में भी आग लग गई थी, जिनको निकाला अपने घर से बाहर भी, तुम बाहर आ जाओ सारे। तो ये हाल है, हर साल यह आग लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने नगर निगम को कंप्लेंट की थी, ये सड़क जाती है हमारी, आधे में जंगले बीच के, कुछ लोगों ने यहाँ जंगले नहीं बिछने दिए ताकि छुपा रिवेड वाले की छोटी गाड़ी जो है अंदर आ सकती थी, पर ये कुछ लोगों की वजह से जो है ये जंगले ना लगे और जिससे वजह फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सके और इनको भी आने के लिए प्रॉब्लम हुआ। तो मेरी शिकायतें रहेगी प्रशासन से, पहले तो इस रोड को क्लियर किया जाए, इसको जंगले बिछाया जाए, और जिन लोगों ने सड़क को जंगले नहीं बिछाने दिया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सड़क रोक दी है, सारी गाड़ियाँ कहाँ से आने जानी है। और नगर निगम ना कोई प्रशासन, कोई कार्रवाई, मैंने मेरी एप्लीकेशनें लगी हुई है वहाँ नगर निगम में भी लगी हुई है, कंप्लेंट की हुई है मैंने कि ये लोग जंगले नहीं बिछाने दे रहे। फायर कर्मी मंडी किशोरी लाल ने बताया कि सड़क तंग होने के कारण गाड़ी घटनास्थल पर समय से नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद फायर हाइड्रेट की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट TNTV।